नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्या स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में फोन कॉल पे उपलब्ध है मिसेज पूजा सिंह, जिन्होंने प्रवक्ता चयन परीक्षा 2016 नागरिक शास्त्र में चयनित हुई हैं आप। और आप न केवल चयनित हुई हैं बल्कि आपने पूरे प्रदेश में महिलाओं में सेकेंड रैंक प्राप्त किया है, तो आप बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं। और इस अपार सफलता के लिए हम अपनी पूरी टीम की तरफ से, पूरी एकेडमी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी सर, धन्यवाद। तो पूजा जी, जैसा कि आपका 2016 में चयन हुआ है प्रवक्ता के रूप में पॉलिटिकल साइंस विषय से, तो हम आपकी तरफ से आपका परिचय जानना चाहेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ में अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और उसके बाद हम लोग अपनी बातचीत शुरू करते हैं। पूजा सिंह गोंडा से जी। सर, हमने पीजी कॉलेज हैदराबाद से किया था जी। और सर उसके बाद गृहस्थ जीवन में हुए, उसके बाद सर हमने तैयारी करना शुरू किया कॉलेज। तो कॉलेज जब तक पूरा हो चुका था, कॉलेज जी का जो एजुकेशन था सर वो पूरा हो गया था। उसके बाद तो सर हम जिस शहर में रहते हैं, ऐसे छोटे शहरों में कोई कोचिंग वगैरह तो रहती नहीं है जी। तो सर हमने खुद से पहले प्रयास करना शुरू किया जी। उसके बाद हमारे यही बगल में एक इंटर कॉलेज था, वहाँ पे एक टीचर थे जिनकी नई नियुक्ति हुई थी 2017 में, वो 13 के बैच के थे जी। तो सर उनके संपर्क में हम आए, तो वो जबकि प्रवक्ता थे अर्थशास्त्र के। अच्छा, लेकिन उनके पास नोट था हमारे सब्जेक्ट का, वो भी टीजीटी स्तर का था जी। सोशल साइंस में उन्होंने जो है उस विषय को पढ़ा। जी सर, पीजीटी उन्होंने सोशल साइंस है, तो इसीलिए उनके पास नोट था, वो भी पीजीटी लेवल का था, पीजीटी का नहीं था जी। तो सर थोड़ा बहुत उन्होंने प्रयास किया, उसके बाद जो टॉपिक उनको जानकारी थी उन्होंने हमको पढ़ाया जी। और बाकी सर पीजीटी में बहुत सीमित हो जाता है ना ये सब्जेक्ट, पीजीटी में लिमिटेड जो है सिलेबस है जी सर। और सर पीजीटी में बहुत विस्तार हो जाता है जी हाँ, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल रिलेशन है, ये सब चीजें उसमें ऐड हो जाती है, थिंकर्स में भी कुछ बढ़ जाते हैं जी। तो सर जो टॉपिक हमको नहीं मिला जी, उसका उसके लिए हम खुद से प्रयास करते रहे। जैसे सर संपर्क में जो हमारे सीनियर थे, जो हमारे गुरु जी थे, उनके संपर्क में हम बराबर बने रहे जी। और सर हमने तैयारी खुद से की, ना किसी कोचिंग से हमने किया जी। और ये था कि जो हमारे सीनियर थे उनके संपर्क में हम बराबर रहते थे कि क्या करें कैसे करें, जो पुराना पेपर था उसको बार बार देखना कि कैसे, मतलब क्या ये जो प्रश्न पूछा गया है वो चाहता क्या है जी जी जी। तो सबसे बड़ी बात तो यही समझना होता है कि मतलब स्तर क्या है। जैसे कुछ प्रश्न इसमें ऐसे आएंगे जो लोग कहते हैं पुराना पेपर तो बहुत सही बात है सर, आता ही है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसमें कुछ प्रश्न ऐसे आपकी आंखों के सामने आएंगे जो आपने कभी नहीं देखा होगा, 10 से 15 प्रश्न ऐसे रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वही यूनिक बनाता है, नहीं तो सब कुछ तो अगर पुराना ही आ जाएगा तो फिर हो जाएगा सब भरा, और वही चयन कराता है, वही जो 10-15 क्वेश्चन होते हैं उसी हाँ, से वो एकदम सरसरी नजर, मतलब ऐसे आंखों के आगे पड़ेंगे तो लगेगा कि बस अब तो हम कर ही नहीं पाएंगे, बस हो गए। वही से इंसान का मनोबल गिरता है। हाँ सर, अगर उस स्थिति में इंसान अपना मानसिक स्तर बनाए रखता है तो फिर दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो मानसिक स्तर देखते हैं कि आपका मानसिक स्तर क्या है जी हाँ, उसमें हमारी रीजनिंग क्षमता कि हम कैसे आंसर को निकाल पाते हैं, और ऐसा नहीं बिल्कुल नया होता है जो हमने पढ़ा, अगर कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन होते हैं रहेगा तो आपके सिलेबस से ही रहेगा, कहीं अलग से नहीं आता। हाँ अलग की बात, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 2-4 क्वेश्चन कि जो वो भी सिलेबस से रहेंगे लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से रहेंगे, दूर जाते कहीं जी जी, लेकिन वो रहते सिलेबस से हैं। अब वो जो 10-15 क्वेश्चन रहते हैं वो पहली बार आपकी नजर उस पर पड़ेगी कि पहले आप भले कितना साल कर ले लेकिन उसको देखे नहीं होंगे, लेकिन वो रहता है हमारे सिलेबस का जी। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने कैसे किया, इस पे कमान कैसे बनाया आपने? सर जैसे इस तरह का क्वेश्चन जैसे जो आता है, अब जब हम लोग पुराना पेपर उठा के देखेंगे तो कुछ चीजें ऐसी है जो व्यवहार की चीजें उसमें डाली जाती है ना, जो व्यवहारिक रूप से हम सुनते देखते आ रहे हैं। अब जैसे 2016 का जो पेपर था उसमें जो बुकलेट सीरीज है हमारे पास ए है,
तो उसमें 74 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। जी जब हमने पेपर दिया तो हमने पदोन्नति तो पढ़ा ही नहीं था। अच्छा सर बहुत लोग मान लीजिए किसी ने नहीं पढ़ा है। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो हमने नहीं पढ़ा। लेकिन सर हम शुरू से ये भी तो सुनते आ रहे हैं कि जैसे वो मतलब वरिष्ठता सिद्धांत, अब इसमें कौन नहीं समझ पाएगा इस बात को अगर थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं तो। इस बात को जैसे इसने चार ऑप्शन दिया है कि वरिष्ठता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, श्रेणी निर्धारण सिद्धांत, अनुशासन का सिद्धांत। तो सर जब ये पदोन्नति की बात कर रहा है तो अनुशासन सिद्धांत तो इसमें कुछ है ही नहीं, अपने आप हट गया। बिल्कुल बिल्कुल। और श्रेणी निर्धारण की तो कहीं बात ही नहीं है पदोन्नति के मामले में। तो बचा दो योग्यता और वरिष्ठता। तो पदोन्नति योग्यता के उससे तो अभी हुई में डायरेक्ट नियुक्ति होती है, लेकिन पदोन्नति तो ऐसे नहीं हुई। नाम से ही प्रकट हो रहा है कि पदोन्नति यानी कि पद में उन्नति है, तो फिर योग्यता तो जी सर। तो जी है। तो सर ऐसे ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं कि जिनको हम व्यवहारिक रूप से अगर देखते हैं, और व्यवहारिक रूप से कोई चीज देखना वहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं। जी हाँ बिल्कुल। वहाँ व्यवहारिक चीजें समझ में कम आती है। अच्छा एक चीज और है, कुछ अनुमान सिलेबस से भी सर लगाया जा सकता है। जी जैसे हम सिलेबस अगर बार बार देख रहे हैं, कोई क्वेश्चन आ रहा है और उसमें कुछ ऐसा बनाते हैं कि जैसे सिलेबस की चीजें नहीं रहेगी, उसमें सार्थक शब्द हमको देखना रहता है ना, कि जो चार ऑप्शन दिए उसमें सबसे सार्थक हाँ सर ये भी तो देखना रहता है। अब जैसे इसमें 42 नंबर का क्वेश्चन ये था कि सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब सर इसमें भी चार ऑप्शन है, तो सेवाकालीन प्रशिक्षण इसका मतलब जैसे सेवा में पूर्व उसमें पहले से ही लिखा है प्रवेश करने से पहले, तो ये तो होगा नहीं। और उन्मुखीकरण इसका तो कहीं वो ही नहीं है। तो सर ये तो मतलब आपको देखना पड़ता है कि सार्थक अर्थ जा कहाँ रहा है। जी हाँ। गलतियाँ सबसे होती है सर, हर क्वेश्चन दूसरी बात मतलब ये नहीं कि सही ही हो जाए, लेकिन एक अनुमान लगाना पड़ता है, लगाना चाहिए। जी जी। और देखिए जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है स्पेशली यूपी पीजीटी में, तब तो बिल्कुल लगाना ही चाहिए, तार्किक गेस करना चाहिए। सर बिल्कुल करना चाहिए, वही तो सिलेक्शन दिलाता है। तो वहाँ पर मानसिक दबाव इतना हो जाता है कि ये सब चीजें देखना मुश्किल थोड़ा हो जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अगर यही चीज हम थोड़ा ऊपर उठ के देखते हैं तो फिर समस्या इसमें नहीं रहती है। देखिए उसी पेपर अच्छा को घर पे सॉल्व करना और उसी को एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वहाँ सोचने की क्षमता और वो अलग होती है, घर पे अलग होती है। जी जी जी। सर अभी कल हम पेपर सॉल्व कर रहे थे, पेपर सॉल्व करते समय हम बीच में 3 बार उठे हैं और जो क्वेश्चन की मतलब दस जो हाई स्कूल इंटर में पढ़ता हुआ उसको हमने गलत कर दिया, बाद में हम देख रहे थे। तो यही चीज है कि मानसिकता का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि आप किस मानसिकता मतलब किस स्तर पे हैं उस समय। अब ये भी नहीं कि मेरा एग्जाम है सर तो आज हम इतना ज्यादा पढ़ने लगे, ये भी तो बहुत इस तरीके से भी नहीं करना है। एकदम स्थिर मानसिकता रखिए कि हाँ कुछ सोचने समझने की क्षमता रहे हमारे पास उस दिन। मान लीजिए हमारा कल एग्जाम है, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे या कल पढ़ेंगे तो वहीं तक मानसिकता सीमित हो जाएगी। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ओवरलोडेड नहीं होना है, हमको बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना है। क्योंकि जब ज्यादा हम एक दिन पहले तो पहली बात कोई नई चीज देखनी ही नहीं चाहिए, और बल्कि कोशिश करनी चाहिए मेरे हिसाब से कि एक दिन पहले बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्जाम देने जाना चाहिए। जी सर। पर मान लीजिए कोई टॉपिक छूट भी गया है तो उसके लिए बहुत बार बार सोचना नहीं हो सकती, ये नहीं जरूरी कि अब उसी से आ ही जाएगा। जी हाँ जी हाँ। तो उसमें ज्यादा ध्यान लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और जैसे सहज लोगों के संपर्क में रहें जो स्वभाव से ये नहीं कि डराते रहें, जैसे जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो सर हम अपना अनुभव बता रहे हैं कि मतलब लोग ये बता रहे थे कि 120 क्वेश्चन पे ही सिलेक्शन होगा। जी तो ये बहुत बड़ा अपवाद है, ये सब झूठ है, इस तरीके के चक्कर में ना पड़े। और मानसिक स्थिति लगभग लगभग मिलती जुलती होती है, ये नहीं कि आप नहीं कर पा रहे तो अगला सब कर ले जाएगा। बिल्कुल, जो कठिन होगा वो तो सबके लिए कठिन होगा ना, जो आसान होगा सबके लिए कठिन होगा। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि आसान क्वेश्चन जो सबका सही हो रहा है वो गलत ना होने पाए किसी का भी। जी सर हाँ, वो गलत होती है तो समस्या हो जाती है। अच्छा आप तो कितने प्रश्न आपके सही हुए थे सर? हम जैसे जिसके संपर्क में जैसे कभी किसी से जो हमारे सीनियर से पूछते भी थे कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ और
और ये वो कितने नंबर आए, तो वो 10 नंबर बढ़ा के ही हमें लगता है बताते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर जो लिखित परीक्षा हुई है उसमें जो मेरा मतलब मेरा मार्क्स सब उसको चेक कर सकते हैं, कोई ये नहीं कि हम बता रहे हैं तो मानिए आप जी। तो उसमें यूपी पे, यूपी में हम दूसरे पोजीशन पे हैं। वाह, कांग्रेचुलेशंस, बहुत ग्रेट। जो है आप जो है यूपी में सेकंड पोजीशन पे रहे, बहुत अच्छी। हाँ, सेकंड पे थे जी, लेकिन हमने अपने बीएड की जो मार्कशीट है उसको नहीं लगाई थी, तो हमको वेटेज 5 नंबर का नहीं मिला है। बाकी जो लिखित परीक्षा हुई है जी, उसमें सर हम सेकंड पोजीशन पे हैं। तो कितने अंक आए थे आपके, कितने क्वेश्चन आपके सही थे, ये तो आपको पता ही होगा सर। जैसे हमने मिलाया कभी कोई, अब ये 100 के ऊपर ही मानिए। अच्छा अच्छा, मतलब आपके हिसाब से कितने क्वेश्चन सही हुए? हमने एग्जैक्ट तो नहीं कभी किया थी क्या। अच्छा अच्छा, तो चलिए आपके हिसाब से कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? तो जनरल कैटेगरी में, आपका तो जनरल में ही है ना? जी सर। तो जनरल में कितना मतलब हो जाए तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि ये हर बच्चों की सबसे बड़ी समस्या रहती है। सेफ रहने ये होता है कि सेफ जोन में जाने के लिए, जैसे 100 से ऊपर जी होना चाहिए। मतलब 100 से ऊपर अगर आपके हिसाब से है तो फिर जो है आप इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, ठीक है? हाँ सर। सर मेरा तो सिलेक्शन जब हुआ था तो हमने रिजल्ट देखा नहीं। अच्छा अच्छा, क्योंकि अच्छा। कभी नहीं देखा रिजल्ट, जब इंटरव्यू के लिए हमको मैसेज आया जी सर, हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि लोग जो हमारे सीनियर थे बताते थे कि 120 पे ही होगा। अभी अच्छा, आप निश्चित नहीं थे कि आपका हो जाएगा, इसलिए आपने सर, हम मतलब कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इतना था कि हमने एलटी ग्रेड की तैयारी की थी, उसके बाद हमने नहीं पढ़ा। हमने मतलब सब दूसरी चीजें पढ़ी इस तरफ नहीं, लेकिन हमने पीजीटी का पेपर दिया, मेरा निकल गया क्योंकि तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी। लेकिन अभी जैसे कोई नया है, कोई नया बच्चा है तैयारी कर रहा है, अब हम बता दें कि मेरा सिलेक्शन हुआ, उसको हम अगर फीड करें उसके दिमाग में कि नहीं 115 नंबर पे ही होगा, सर वहाँ तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि 4-6-10 लोग मिलकर भी नहीं बता सकते कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। बिल्कुल सही कह रही हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विवादों में रहते हैं जी। हाँ, तो यही उसको नहीं जोड़ा जा सकता ना, तो इसलिए दिक्कत आती है। तो सर जब मेरा रिजल्ट आया तो एक दो लोग थे उनका आया भी, तो उन्होंने बताया भी फोन करके कि मेरा हो गया, तो हम कहे आपने मन में की तो ठीक है हो गया है, बाकी हमने अपना रिजल्ट नहीं देखा। अच्छा अच्छा। तो सर उसके बाद जब इंटरव्यू के लिए कॉल आई के लिए जी सर, तो सर बाकी यही कहना है सबसे, तुम्हारे छोटे भाई बहन है कि अपनी मानसिक स्थिरता बनाए रखे, बाकी सब बढ़िया होगा। सोचने समझने की क्षमता वहाँ होनी चाहिए, ये नहीं कि हम बस नजर ना हटाएं उससे, इस तरीके से समस्या हो जाती है अगर इस तरीके करेंगे तो। यानी कि बिल्कुल व्यवहारिक रह के माइंड को रिलैक्स करके सारे को अच्छे से अटेंड करना चाहिए, और हम ऐसा ना करें कि हम इतना ज्यादा ओवर स्ट्रेस ले लें कि जो क्वेश्चन हमसे हो सकते हैं उसको भी हम गलत ना करें, क्योंकि वहीं से सिलेक्शन होना है जी सर। और सर वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है उसको महसूस ना करें, यहाँ पे बहुत दबाव है उसको महसूस ना करें कि दबाव हो। तो पूजा जी, जैसा कि आपने बताया कि आप एक बहुत ही मतलब गोंडा, जैसा कि यूपी का पिछड़े जिलों में से गोंडा बहराइच आता है, क्योंकि मैं भी इससे बहुत अच्छे से परिचित हूँ, क्योंकि मेरा भी होम टाउन बहराइच ही है, मैं आपके पड़ोस में ही हूँ, वहीं का रहने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको बहुत प्रॉब्लम हुई प्रिपरेशन करने में, क्योंकि ना तो आपको कहीं से कोई गाइड मिल रहा था, जैसा कि आपने बताया कि इकोनॉमिक्स के जो लेक्चरर थे उनकी हेल्प से आपने प्रिपरेशन की, अपने सीनियर्स की मदद से प्रिपरेशन ली, लेकिन आज के समय में जब ऑनलाइन टीचिंग इतना ज्यादा फेमस है, इतना पॉपुलर है, हर चीज मिल जा रहा है, बहुत सारे चैनल है, तो उस समय में किस तरह से बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सकता है प्रिपरेशन में? सर जैसे आप ये बात कर रहे हैं कि आज के जमाने में जो ये यूट्यूब पे इतने सारे चैनल हैं या सोशल नेटवर्किंग का मामला इतना आगे बढ़ गया है आज के जमाने में, तो जैसे ये निर्णय निर्माण का सिद्धांत होता है कि श्रेष्ठ विकल्पों में से हमको चुनना होता है, सर वही प्रक्रिया है। क्योंकि यूट्यूब पे हमने आज तक कोई ऐसा चैनल, सर ये तारीफ की बात नहीं है, ना मैं व्यक्तिगत किसी की बड़ाई कर रही हूँ ना बुराई, सर बहुत से चैनल हमने ऐसे देखे कि फीस इतनी ज्यादा लेते हैं जी। लेकिन उसमें मतलब क्या बताएं, हम नाम लेके बता दें, जैसे देख लीजिए यूपी में हमने सुना था ये चंद्रन स्कूल जी, उसके बाद ये टीचर्स एकेडमी जी, हमारे कहने से लोग उसको चेक करके देख लें कि पढ़ाया क्या जा रहा है उसमें। पीजीटी के लिए मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ जी, लोग इतने भौकाल के साथ इतना मेंटेन करके आते हैं कि लगता है अभी क्या बता देंगे जी। लेकिन जब वो बताते हैं तो फिर समझ में कि हमने टाइम बर्बाद कर दिया, ऐसा कभी कभी लगता है।
अभी तो इस चैनल के बारे में हम बहुत ज्यादा दिन से जानते भी नहीं है, ऐसा किसी लगे क्योंकि 10-15 दिन पहले की बात है कि ऐसे चल रहा था तो अचानक नजर पड़ी हमारे चैनल, तो हमको लगा जी सर सर ये इसकी बात कर रहे हैं, तो सर हमारी नजर पड़ी तो हमको लगा कि जैसे सब है ऐसे ही होगा जी हाँ। उस टाइम हमको ऐसे लगा हमारा चैनल देखा तो जी सर, जब पहली बार हमने देखा तो लगा जैसे सब होंगे ऐसे, लेकिन वो हम कुछ काम कर रहे थे वो लेक्चर चलता गया। अच्छा कौन सा लेक्चर आपने सबसे पहले मेरा देखा था? सर ये तो बहुत ज्यादा हम कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लेक्चर था जी सर। जैसे ये जैसे कुछ कोचिंग है जैसे जो UPSC वगैरह तैयारी करवाती है दिल्ली वगैरह की अनअकैडमी वगैरह, तो उसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन IR पढ़ाया जाता है, लेकिन वो हमारे स्तर का नहीं रहता, हमारे स्तर से बहुत आगे निकल जाते हैं कि हम उसी में डूब जाए, तैयारी में उस तरीके से भ्रमित हो जाते हैं हम जी जी जी। जैसे हमको कहाँ तक जाना है ये चीज आज तक हम YouTube पे कोई ऐसी कोचिंग नहीं देखी जो निर्धारित करे कि हमको कहाँ तक जाना है एग्जैक्ट वहीं तक हमको ले जाए जी। हमने पहली बार YouTube पे ऐसा चैनल देखा है कि जो मतलब इस तरीके से PGP के लिए, सर क्या बताएं अगर पहले हम मतलब जुड़े होते जी सोच रहे हैं तो इतना हमको परिश्रम ना करना पड़ता जितना हमने पहले किया है, इतना आपको स्ट्रगल करना पड़ा, सबसे पूछना पड़ा, कलेक्ट करना पड़ा मटेरियल, अगर आप पहले आती तो सर बहुत ज्यादा दिक्कत आई। अब जो नए लोग हैं उनसे तो हम यही कहना चाहते हैं कि जान लीजिए ईश्वर का वरदान उनको मिल गया है इस तरीके से, मतलब कहीं अगर मिल रहा है वो भी फ्री में मिल रहा है जी हाँ, फ्री में मिल रहा है, जो आपने फीस भी रखी थी वो भी कुछ नहीं थी, अगर वो एडमिशन भी ले रहा तो वो भी कुछ नहीं थी, क्योंकि ये टीचर्स एकेडमी में देख लीजिए फीस 6,000 है, हमने हर जगह पहले ही बात करके छोड़ दिया था, आज की बात नहीं है तो। अच्छा सभी जगह आपने अच्छे से पता कर लिया था, बस वही तो बता रहे कि मतलब 6,000 फीस वहाँ की है 4,400 के आस पास यहाँ चंद्रा इंस्टीट्यूट की है, लेकिन अगर लोग पेपर पास करवाते हैं 20 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन में दम घुटने लगता है जी, और उसमें कहीं भी IR का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आज तक 2 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको जी, मतलब आपका टॉपिक वैसे बना रहेगा, आपकी समस्या वैसे बनी रहेगी, मतलब जो मूल समस्या है मूल समस्या जो कैंडिडेट की है IR की और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इसमें कहीं से कोई मतलब सिस्टमेटिक तरीके से कोई मटेरियल अवेलेबल नहीं है आपके हिसाब से? नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, और जब भी उन कुछ एक टॉपिक की बात क्या करेंगे बताएंगे कि हमारे यहाँ पहले एडमिशन लीजिए उसके बाद दूसरी बात हम करेंगे जी, और जो एडमिशन भी ले लेते हैं जी तो सिलेबस को पूरा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए हम दूसरे चैनल की बात नहीं करेंगे, तो हमने देखा नहीं सर, अब वही तो कह रहे हैं कि मतलब व्यक्तिगत हम किसी की ना तो बड़ाई कर रहे हैं ना बुराई कर रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता है, लोगों को खुद से ये महसूस करना चाहिए, किसी के कहने पे ना जाएं जी हाँ बिल्कुल, कंपेयर करके देखें हमारा जो मटेरियल है जो कंटेंट है ये कैसे हेल्प कर सकता है नए स्टूडेंट के लिए जो लोग अब तैयारी कर रहे हैं। सर ये कह तो रहे हैं कि नए स्टूडेंट को जान लीजिए वरदान मिल गया है कि पूरा टॉपिक मतलब वो अगर सरसरी नजर से भी देख लेते हैं जी, प्रश्न कहीं अलग से नहीं बन के आएंगे, सिलेबस से बन के आएंगे और ऐसे ही बन के जी, तो वो अगर सरसरी नजर से भी इसको देख लेते हैं सुन लेते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा ये, और पूरा का पूरा सिलेबस PGP का इसमें कवर हो रहा है। हाँ लगभग मेरा प्रयास यही है कि बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाए, और यही हमारा प्रयास है, और आप लोगों को अच्छा लगा चूंकि आप सिलेक्टेड हैं, आपकी बातें जो है जब आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको खुद का एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल सबसे ये खुद रियलाइज करें ना, खुद तुलना करके जैसे भटके ना, अब भटकने समय नहीं है कि भटकेंगे जी हाँ, वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे अगर कोई भटक रहा है इस समय तो, इनको देख ले ये कर ले ऐसा नहीं है भटकिए मत, लेकिन खुद से ये चीज महसूस करिए आप कि क्या है क्या सही है क्या गलत हमारे लिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एक चीज और हम जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे कि इसमें सिलेक्शन होने के बाद इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करें? तो इंटरव्यू के लिए जैसे टॉपिक वाइज होता है कि वो ये भी पूछते हैं कि मतलब आपको आयोग ने इतने दिन तक समय दिया, आप कोई टॉपिक सबसे पहले तो पूछते हैं कि आप अपने मन से क्या तैयार करके आई हैं जी जी सर, तो सर उसमें अगर आपने कोई टॉपिक तैयार किया है तो ठीक है, नहीं तो आप अगर कॉन्फिडेंस लेवल सही है आपको जानकारी है तो आप कह दीजिए कि कहीं से आप पूछ सकते हैं जी। तो आपका इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, चंद सवालों को हम चाहेंगे कि आप जी जी सर। इंटरव्यू में मेरा 10 जनवरी को इंटरव्यू था जी, और सर जैसे उसमें 50% मान लीजिए कि सिलेबस का रहा होगा 60% जी, और 40% व्यक्तित्व परीक्षण था जी।
जैसे सर व्यक्तित्व परीक्षण में जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि आप मान लीजिए पीजी करना चाहती हैं, तब मेरा जो टॉपिक था वो फंडामेंटल राइट पे हमसे क्वेश्चन हुआ था पूछे थे जी। और सर जैसे जो वो विषय विशेषज्ञ थे उन्होंने तो सब्जेक्ट से बात की थी, लेकिन जो अध्यक्ष रहते हैं उनका तो कोई सब्जेक्ट रहता नहीं, वो तो अलग से रहते हैं ना जी। तो वो किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं जी हाँ। जैसे जो सब्जेक्ट आपके सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट बैठेंगे वो सब्जेक्ट पे बात करेंगे, लेकिन जो अध्यक्ष है उनका कन्फर्म नहीं रहता कि किस सब्जेक्ट से है जी, तो वो किसी भी टॉपिक पे आपसे बात कर सकते हैं। मतलब जो हमारा कोर सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटिकल साइंस अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसके अलावा भी किसी विषय से पूछा जा सकता है। हाँ सर उसके अलावा भी पूछा जा सकता है जी हाँ। तो आपसे फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछा गया, और क्या पूछा गया आपसे? सर उसके बाद व्यक्तित्व परीक्षण पे आए कि उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि आप, और सर ये आईआर से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने जो अध्यक्ष महोदय थे जी हाँ। आईआर से ये पूछा था कि जैसे ये भारत और नेपाल के बीच में बफर स्टेट जी, नेपाल के बफर स्टेट के बारे में बात कर रहे थे जी। और सर उन्होंने ये जैसे फंडामेंटल राइट को कुछ व्यवहारिक रूप उन्होंने लिया कि उन्होंने पूछा कि मान लीजिए आप पीजी करना चाहती हैं जी, ये आपका मूल अधिकार है पढ़ना, लेकिन आपके माँ बाप सक्षम नहीं है कि आपको पीजी करवा सके जी, तो आप क्या करेंगे इस स्थिति में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। तो सर हमने आंसर ये दिया था कि सर मान लीजिए पीजी करवाने की बात चल रही है ना, लेकिन हमारा एक एक स्तर पे हम पहुंच गए हैं ना, हमने स्नातक कर लिया है ना जी। सर बात पीजी की हो रही है लेकिन हम एक स्तर पे पहुंच गए हैं, स्नातक हमने कर लिया है, तो मान लीजिए अगर वो नहीं भी करवा पा रहे हैं ना जी, तो एक स्तर हमारा बन गया है कि हम खुद से कुछ कर सकते। हाँ बिल्कुल, सेल्फ डिपेंडेंट है, ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो हम अपनी व्यवस्था खुद करके अर्निंग करके हम आगे की पढ़ाई को देखिए। मेरे इंटरव्यू से काफी संतुष्ट हुए थे वो। अच्छा मिले थे क्या, याद है आपको? जी जी सर 42 नंबर मिले थे। चलिए बहुत अच्छा, आपको 50 में 42 नंबर मिले, बहुत अच्छे नंबर मिले। हम लोगों को रिटर्न एग्जाम पे फोकस करना चाहिए जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं, और रिटर्न एग्जाम में कोशिश ये करें कि 100 से ऊपर उनके मार्क्स आए, ठीक है, 100 से ज्यादा क्वेश्चन हो, अपनी तरफ से कोई स्ट्रेस न लें, बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर दें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है सर? हो जाएगा सिलेक्शन जी हाँ। और कुछ चीजें आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? सर यही हम बार बार कहना चाहेंगे कि अपनी माता बनाए रखें, और बाकी यही ये नहीं कि अब ये जीवन में आखिरी है इस तरीके बिना सोच के कि हम मैदान में जा रहे हैं एकदम, तो इस तरीके की गलतियां होने के चांस ज्यादा रहते हैं, इस तरीके का काम ना करें। जितना ज्यादा हम प्रेशर लेते हैं उतनी ही ज्यादा गलतियां होती हैं। प्रेशर में जैसे अगर इंडियन टीम की बात की जाए तो प्रेशर में हमेशा टीम हारती है, तो इसलिए प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जी नहीं सर बिल्कुल, एकदम कूल माइंड से रिलैक्स फील करें। हाँ ये है कि पढ़ते रहें, बार बार क्वेश्चन देखते रहें, ये सब करते जो नोट्स को देखते रहें, पेपर सॉल्व करते रहें जी, करते रहे। हाँ सर बाकी ऐसे प्रश्न आएंगे उनसे डरे ना, जो इस तरीके के प्रश्न आए जिनको हमने कभी नहीं देखा है जी। और वो पेपर के पहले ही पेज में आएंगे इस तरीके के, जैसे आप एक दो पेज खोलेंगे तुरंत ही मतलब मनोबल गिराने के लिए वो जी हाँ, वो पहले ही आ जाएंगे कि बस अब नहीं हो सकता। तो मेरे हिसाब से तो ऐसे क्वेश्चन को फिलहाल के लिए उस समय छोड़ देना चाहिए, और पहले आसान आसान क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना चाहिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाए। और फिर जब हम उसको छोड़ के सर जब हम उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो मन लगा रहता है छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल सही है सर जी हाँ। लेकिन मन में ये लगा रहता है कि अब तो वो तो गया जी हाँ, लेकिन सर उसको भरी देख मतलब अच्छे से देख के फिर छोड़ देना चाहिए जी हाँ, देख के उसको छोड़ दें कि नहीं यहीं तक नहीं है, आगे बहुत ईजी भी है। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑन स्पॉट किसी क्वेश्चन को करते हैं, कुछ समय को नहीं हो पाता है, लेकिन उसी क्वेश्चन को कुछ समय के बाद हम थोड़ा सा देखते हैं तो वही क्वेश्चन लगता है कि इसको मैंने कैसे मिस कर दिया था, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जी जी क्योंकि उस समय हम दबाव में उसको पहले देखते रहते हैं, फिर मानसिकता होकर उसको सोचते हैं वापस लौटते हैं तो फिर लगता है कि हाँ ये तो हम कर सकते थे। अब हमने क्वेश्चन किसी एग्जाम में हमने एलटी ग्रेड में वो जो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है ये अनुच्छेद हमने 72 गलत कर दिया था। अच्छा जी है, उसमें अध्यादेश जारी करने की तक जो राष्ट्रपति 123 अनुच्छेद ये गलत, खाली मानसिक दबाव में गलत हुआ था। कभी कभी मानसिक दबाव इतना ज्यादा हो जाता है कि नहीं अब यही परीक्षा है बस इसी में, ऐसा नहीं है परीक्षाएं होती रहेंगी, अब बस ये टारगेट हमें बना के रखे कि भाई सिलेक्शन तो हमको लेना ही है, लेकिन मानसिक दबाव में मत आइए। जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने,
तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी आपकी ये बातें इस समय जबकि बिल्कुल एग्जाम करीब है, हर कोई प्रेशर में है, डिप्रेस होता जा रहा है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अब तो गया, उन सभी को लोगों के लिए, उन सभी का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप के लिए काम करेगा। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, थैंक यू। थैंक यू सर। नंबर मिले।